हमारे तीन सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष प्रसाद आईटीओ से लाइव है, इस वक्त श्रुतिका जनपद से हैं और शोएब कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनीष, आपका रुख कर रही हूँ, इस वक्त आईटीओ में कैसी तस्वीरें हैं, क्योंकि आज सुबह से जो बारिश हुई है, अगर सही मायने में बात की जाए तो मानसून आज ही दिल्ली में सही तरह से प्रवेश किया और आज ही हालात खराब हो गए दिल्ली के। प्रिया, सुबह 8:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक 98.3 मिलीमीटर बारिश हुई है मौसम विभाग के मुताबिक, और इसकी वजह से हर जगह लगभग वाटर लॉगिंग है। सीधा तस्वीरें आप देखिए, ये वो रास्ता है जो कि आईटीओ से अक्षरधाम की तरफ जाता है, यहाँ पर वाटर लॉग्ड है। पानी का जो लेवल है वो हालांकि इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वाटर लॉग्ड होने की वजह से गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। ये जो सामने स्कूटी जा रही है, वो स्कूटी लगभग आप ये समझ लीजिए कि 1 फीट तक आराम से डूबी हुई दिखाई दे रही है। पूरा पैसेज यहाँ पर पानी है, बस स्टैंड है जहाँ पर महिलाएं अपनी बसेस का वेट कर रही हैं, यहाँ पर वाटर लॉग्ड है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर पैसेज है, जो कि जहाँ पर बस जाती है उस बस के और साथ में पैसेज में काफ़ी गैप है, और इसी वजह से लोगों को यहाँ पर चोट भी लग रही है। वहीं अब दूसरी तरफ का ट्रैफिक आप देख लीजिए, ये अक्षरधाम से आईटीओ जाने वाला पूरा रास्ता है जो कि इस समय चोक्ड है, और वहीं लोगों को यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ रहा है उनकी बसेस के लिए, उनकी गाड़ियों के लिए, क्योंकि एक तरफ वाटर लॉक्ड है, यहाँ पर ट्रैफिक जो है पूरा कंजेस्टेड है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस बहुत लंबी जद्दोजहद कर रही है ताकि लोगों को सुचारू रूप से चलाया जाए। एक लंबा आंकड़ा है उन लोगों का जिनकी जो स्कूटी बाइक्स या कार है वो पानी और वाटर लॉक की वजह से खराब हो रही है। ठीक सामने यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी स्कूटी को खींचता हुआ ला रहा है, और ये तस्वीर बिल्कुल इस समय आम है क्योंकि आज शनिवार का दिन है, और जो ऑफिशियल्स यहाँ पर, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिस है, पुलिस हेडक्वार्टर जो पुराना है, PWD का हेडक्वार्टर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इस समय जो आवाजाही है गाड़ियों की बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से दोनों तरफ जो इस समय ट्रैफिक जैम की समस्या है, हालांकि रेड लाइट है लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली ट्रैफिक की पुलिस ये मुश्किल हालात में कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चारों तरफ यहाँ पर ट्रैफिक जैम है, और इसी ट्रैफिक जैम की वजह से जो स्थिति है बद से बदतर हो रही है। अगर आज ये वर्किंग डे होता तो स्थिति और खराब होती। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे इसी तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में बारिश होगी। अभी सुबह 8:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक करीबन 98.8 mm औपचारिक तौर पर बारिश हुई है, उसका ने दिल्ली का ये हाल कर दिया है। ये इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, और हर साल मनीष जो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पहली ही बारिश में उन दावों की, उन वादों की पोल खुल चुकी है। श्रुतिका का रुख कर लेते हैं। श्रुतिका, जब आप लोगों से बातचीत कर रही थी, लोग ये बता रहे हैं कि लोगों के घरों के भीतर पानी घुस चुका है पहली बारिश में हालात, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई तैयारी पहले से की नहीं गई है कि जब बारिश अगर ज्यादा हो तो उससे निपटारा कैसे होगा। बिल्कुल प्रिया, पहले से तैयारी नहीं थी और शायद यही कारण है कि सेंट्रल दिल्ली इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीपी के पास में जनपद रोड, वहां भी पानी भरा हुआ है, और जिस तरीके से आप बोल रही हैं कि जो घरों में पानी, ना सिर्फ घरों में पानी बल्कि दुकानों के अंदर पानी है, सड़कों पर पानी है, हर तरफ पानी पानी है। आप यहाँ भी देखेंगे तो जनपद रोड है ये जो कि सीपी की तरफ जाती है, मेन इलाका, पॉश इलाका, लेकिन वहां पर भी पानी इस तरीके से भरा हुआ है। ऑरेंज अलर्ट जरूर जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और 24 घंटे का अलर्ट है कि 24 घंटे तक इसी तरीके से बारिश होगी, और अगले 2 दिन के लिए भी अलर्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर ही खड़ा होता है कि इस तरीके से बारिश के लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई। इसी से आगे जब हम जाते हैं इस रास्ते से तो मिंटो रोड पड़ती है, मिंटो ब्रिज को आज बंद करना पड़ा, कारण उसका यही रहा क्योंकि वाटर लॉगिंग इतनी ज्यादा थी। अभी भी आप देखेंगे तो जो ट्रैफिक की आवाजाही है वो स्मूथ नहीं है, इस पूरे एरिया में पानी है। अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो वहां पे शॉपकीपर्स अपनी दुकानों के आगे खड़े हुए हैं, जिनके पास हम जाने की कोशिश भी करते हैं। अगर आप वहां जाएं तो आप लाइन से देखिए, वहां पर पानी ही पानी भरा हुआ है कि उनके दुकान तक तो कोई नहीं आ सकता है, यानी उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी। आप इस पूरी रोड को देख लीजिए, यहाँ पर जनपद है, ये तिब्बतन मार्केट है, जनपद रोड पर है, और यहाँ पर पूरे में पानी ही पानी नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ से तो पूरे एरिया में पानी ही पानी है। वही मैं दुकानदारों से बातचीत भी करने की कोशिश करूंगी क्योंकि वो लगातार साफ सफाई में भी लगे हुए हैं। सर, कि आज तो दुकानों के अंदर पानी आ गया, ये अमूमन होता है ऐसे? हर बारिशों में होता है जी, जब भी दिल्ली में रेन्स होती हैं हर बारिश में ऐसे ही पानी भरता है। कोई
आ नहीं सकता, आपका तो पूरा रोजगार बंद है, बंद है जी, क्या कर सकते हैं। पानी देखो अंदर, देखो पानी, अब देखिए आप, मैं आपके पर्सन को कहूंगी अंदर आए तो देखिए दुकानों के अंदर से पानी निकाल रहे हैं, समझा जा सकता है। इस वक्त लोगों के चेहरे मायूस है क्योंकि जिस तरह से बारिश दुकानों के भीतर पानी घुस चुका है, ऐसे में देखिए चीजें भी खराब होगी। शोएब का रुख कर लेते हैं, शोएब इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से हैं। शोएब तस्वीरें दिखाइएगा, साथ ही इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, क्योंकि दावे तो खूब होते हैं लेकिन जमीनी हकीकत एक ही बारिश में खुलकर सामने आ जाती, कोई तैयारी नहीं। हर साल इसी तरह की तस्वीरें हम देखते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जब भी बरसात का वक्त होता है उससे पहले हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी मीटिंग होती है और ये कहा जाता है कि बरसात की तैयारियां हो रही है, तमाम जो नाले हैं उनकी सफाइयां हो रही है। इसके साथ साथ अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इस तरह के हालात बनते हैं बाढ़ के, तो उससे कैसे निपटा जाए, उन तमाम चीज़ों की जो मीटिंग है वो बहुत होती है। लेकिन जब भी बारिश होती है और दो तीन घंटे अगर बारिश हो जाए महानगरों में, खासतौर पर दिल्ली से अगर राजधानी की बात करते हैं, तो यहाँ का जो पूरा सिस्टम है वो फेल नज़र आता है। आज यही हुआ, सुबह के वक्त से जब बारिश शुरू हुई, जिस भी इलाके को आप देख लीजिए, आप चाहे ओखला को देख लीजिए या जमुना पार के इलाकों को देख लीजिए, तमाम जगहों पर पानी की निकासी का जो सिस्टम है वो एक तरीके से तमाम दावों की पोल खोलता नजर आया। हम बहुत सारी जगहों पर गए जब बारिश हो रही थी, जामिया नगर से हमने शुरू किया था और यमुना पार तक के सीलमपुर तक हम गए पुरानी दिल्ली होते हुए, हमने तमाम जगहों पर यही देखा कि कहीं भी जो सिस्टम था वो दुरुस्त नहीं था। NDMC के इलाके हमने जरूर देखे, चाहे श्रुतिका की बात करते हैं या मनीष जी जिस तरह से बता रहे थे, या कांग्रेस दफ्तर के बाहर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, अगर इन इलाकों की बात करते हैं सेंट्रल दिल्ली के, तो कई जगहों पर पानी बहुत ज्यादा यहां पर भी भरा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहां खत्म हो रहा है क्योंकि बारिश रुक गई है। लेकिन आप अगर उन इलाकों में जाएंगे जहां MCD के जो इलाके हैं, खासतौर पर चाहे यमुना पार के इलाके हो, पुरानी दिल्ली के इलाके हो, जामिया नगर ओखला के इलाके हो, वहां पर लोगों को घरों से भी निकलना, कई जगहों पर इस तरह की गलियां हैं, हमारे पास जो तस्वीरें और जो लोगों से बात हुई है, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां से लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वहां ना ई रिक्शा जा पा रही है क्योंकि पानी भरा हुआ है। बहुत सारे ई रिक्शा आज खराब हुए हैं पानी में चलने की वजह से, गाड़ियों की तस्वीरें हमने दिखाई किस तरह से लोग धक्के मारते नजर आ रहे हैं। आप कोई ऐसा बिल्कुल शोएब, और आप देखिए ये सवाल केजरीवाल से भी पूछे जाएंगे कि बारिश को लेकर क्या तैयारी की गई थी ताकि दिल्ली वालों को इस तरह से परेशान ना होना पड़े। एक बार फिर से मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दिखाइए और लोगों से बातचीत भी करिएगा, चूंकि आज शनिवार का दिन है, शनिवार रविवार अमूमन अगर आम दिनों की तुलना में बात करें तो आज ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, लेकिन जिस तरह की समस्या है समझा जा सकता है इस वक्त कैसे हालात हैं। प्रिया, आप इसी समझ लीजिए कि सबसे पहली बात, आज ये मॉनसून सत्र, मॉनसून का पहली बारिश है और आप समझ लीजिए कि 6 घंटे के अंदर 98.8 मिलीमीटर बारिश हुई। उसका असर सीधा ऑन रोड है, ऑन रोड उन लोगों के ऊपर पड़ा जो यहां से जिनकी आवाजाही है चारों तरफ, यानी इसके जो अक्षरधाम जाने वाला रास्ता है या फिर दिल्ली आने वाला ITO वाला रास्ता, उसके साथ साथ जो आसपास का एरिया है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का एरिया है, वो पूरा बंद है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ट्रैफिक जैम और वाटर लॉग्ड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब है। मैम, आप कितनी मुश्किल हालात से यहाँ से निकली हैं और कितना पानी जमा हुआ है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ है, बिल्कुल घुटनों तक है और हमें बहुत मुश्किल सफ़र करना पड़ा यहाँ पर। और यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो भी बहुत मुश्किल से चल रही हैं। आपका ऑफिस यही है बगल में जी? कैसे निकली, क्योंकि वाटर लॉक तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिल्कुल हमें ऑटो को साइड में करना पड़ा, फिर उसके बाद में ऊपर से आए हैं। आप ये समझ लीजिए, ये दूसरा पैसेज है, ये प्रगति मैदान जाने वाला रास्ता है जो कि इस समय पूरी तरीके से ट्रैफिक जैम है। वहां पर आप देखें तो जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर निकले, वो जैसे जैसे वाटर लॉक्ड वाली स्थिति पे यहाँ तक पहुंचे हैं ताकि वो बसेस ले सके, लेकिन बसेस की आवाजाही बिल्कुल कम है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें गाड़ियां रेंग रेंग के चल रही हैं, और लेकिन जो स्थिति है, तस्वीर है, वो ये दिखाने लायक है क्योंकि यहाँ पर वाटर लॉगिंग के साथ पिछले 8 घंटों से कोशिश भी नहीं की गई कि इस वाटर लॉगिंग को खोला जाए। वाटर लॉक्ड इस एरिया में हमेशा लगता है, बात समझी जा सकती है, यहाँ पर तकनीकी जो सीवेज सिस्टम है उसकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन समझा जा सकता है क्योंकि अगले 2 दिनों का और भी अलर्ट जारी मौसम विभाग की ओर से किया गया है, तो अगले 2 दिनों अगर बारिश इसी तरह से बनी रही तो देखना होगा कि दिल्ली का हाल और ज्यादा किस तरह से खराब हो जाएगा। मनीष, श्रुतिका और शोएब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।